जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर रेंगा टोला से दीनी मार्ग में 10 ग्रामों के ग्रामीणों ने उमर टोला से आले झरी तक 3 किलोमीटर सड़क बनाने की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों ने मंगलवार को ग्राम से रैली निकालकर सड़क बनाने उमर टोला चौक में चक्का जाम कर दीनी मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया। इस दौरान चक्का जाम समाप्त करने के लिए प्रशासन ने कई बार समझाइश दी, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। करीब 2 बजे तहसीलदार के आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया। ग्रामीणों के द्वारा किए जा रहे चक्का जाम के दौरान गुटबाजी भी नजर आई। सड़क के लिए एक पक्ष प्रक्रिया में तो दूसरा पक्ष तत्काल लिखित आवेदन में अड़ा रहा। एकोड़ी से उमर टोला होते हुए आलेझरी के लगभग 3 किलोमीटर मार्ग के लिए जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 के जिला पंचायत प्रतिनिधि मनोज केमरे और जनपद सदस्य जीतू राजपूत के नेतृत्व में 2 अलग अलग समूह ने प्रदर्शन किया। इस दौरान घंटों तक मार्ग चक पर चक्का जाम किया गया। सरकार के पास बहुत कम मदद माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हम अपना अधिकार मांगते हैं। सड़क बनाने को लेकर कर रहे चक्का जाम धरना प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई, जहां पर पुलिस के द्वारा प्रदर्शनकारियों को अभद्रता न करने की समझाइश देते हुए मामले को शांत किया। सड़क बनाने की मांग को लेकर मंगलवार को ग्रामीणों के द्वारा उमर टोला चौक में किया गया चक्का जाम धरना प्रदर्शन के दौरान दीनी मार्ग का यातायात पूर्णतः बाधित रहा, जिसके चलते करीब 10 गांव के लोगों को काफी परेशानी हुई। 5 घंटे चले इस चक्के जाम के दौरान सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। वहीं राहगीरों को भी काफी परेशानी हुई। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों का आरोप है कि आजादी के बाद से लगातार उमर टोला से आलेझरी तक 3 किलोमीटर की सड़क बनाने की मांग की जा रही थी, लेकिन आज तक यह मार्ग नहीं बन पाया है। यहां कई बार आवेदन निवेदन करने के बाद भी सुनवाई न होने पर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन किया है। वहीं प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने यहां भी बताया कि 3 किलोमीटर की सड़क इतनी खराब हो चुकी है कि बारिश के दिनों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे, तो वहीं बरसात में कीचड़ से सराबोर होकर उन्हें गुजरना पड़ता है। इस रास्ते में उमर टोला, दंदरू टोला, पुसू टोला, एकोड़ी, आलेझरी, रेंगा टोला, कासपुर के ग्रामीण और स्कूली छात्र छात्राएं आना जाना भी करते हैं। खराब सड़क की वजह से कई बार दुर्घटनाएं भी घटित हो चुकी है। आज यहाँ पर उमरवाड़ा से आलेझरी रोड, उमर टोला से आलेझरी रोड का वर्षों से भूमि पूजन के बावजूद भी, शासन प्रशासन को कई बार ज्ञापन देने के बावजूद भी आज दिनांक तक के यह रोड नहीं बन पाई, जिसके चलते आए दिन यहाँ पर आने जाने वाले राहगीर चोटिल हो रहे हैं, स्कूल के विद्यार्थी बच्चे चोटिल हो रहे हैं, हमारे किसान, हमारे ग्रामवासी और हमारे रिश्तेदार नाते आए दिन रोड अच्छी ना होने के कारण वो दुर्घटना घटित और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। एकोड़ी उमर टोला से लेकर आलेझरी तक की जो समस्या है, बहुत विकराल समस्या है। यहाँ से महिलाओं को, पुरुष को, बच्चों को, हर वर्ग को जाने में भारी समस्या होती है। ये रोड बनना नितांत आवश्यक है और प्रशासन ने इस रोड को लापरवाही बरता, ध्यान नहीं दिया। आज इस मुसीबत में जनता को खुद रोड पर आना पड़ रहा है और रोड बनना चाहिए, नितांत आवश्यक है।
भैया लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है यहाँ दो गुट हो गए हैं, एक लोग चाह रहे हैं कि ज्ञापन लेकर के अपन शांत हो जाए, एक लोग चाह रहे हैं कि हम जब तक SDM खुद नहीं लिख के देंगे तब तक हम लोग नहीं हटेंगे यहाँ से। तो ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? हजारों में लोग हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि तत्काल रोड बन जाए, कुछ वर्ग चाहते हैं कि तो एक प्रक्रिया से हो जाए, तो प्रक्रिया से रोड होगी और रोड बनने की प्रक्रिया ही वो है जो लोग चाह रहे हैं। तो क्या आप लोग ज्ञापन देने के बाद अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर रहे हैं? ये चक्काजाम हमने पहले भी अवगत कराया था कि जो अपनी रोड है 3 किलोमीटर की जो रोड है और जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर, जनपद मुख्यालय से 10 किलोमीटर पे है, इसको कई बार हमने अवगत कराया है, शासन प्रशासन को भी अवगत कराया, कलेक्टर साहब के पास भी गए थे, लेकिन ये रोड नहीं बन पाई, जनता में इतना आक्रोश आया। इसके पहले हमने बताया भी था कि अगर ये हमारा काम नहीं होगा रोड वाला या कोई आकर के समझाइश नहीं करेगा तो हम चक्काजाम करेंगे। आज इसी उपलक्ष्य में हमने चक्काजाम किए हैं और ये जनता का आक्रोश आप देख रहे हो, पीछे में पूरी जनता है और जनता का आक्रोश आप देख रहे हो और इसी चक्कर में हमने चक्काजाम किए हैं। अगर शासन प्रशासन आए और बताए कि PWD का रोड है, ये रोड कब बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, या भारत के चुनाव चिन्ह में ये रोड है, भारत में ये गाँव आता है, अगर आता है तो इस रोड का क्या है ये हमको बताएं, क्या रोड PWD में है या नहीं है, ये सारी जानकारी हमको चाहिए। आज इसलिए हमने चक्काजाम की, पूरी जानकारी के लिए हमने चक्काजाम किए। कब से परेशान थे सड़क को लेकर के? ये सड़क को लेकर के हम तो ऐसा है कि आज़ादी के बाद से परेशान है, आज़ादी के बाद से ही परेशान जी। सड़क को बनाना है, सड़क को बहुत बुरी हालत में है, उसको अच्छे से बनाने के लिए आवेदन कर रहे हैं। कितने सालों से आप लोग ये मांग कर रहे हैं? 5 साल से। कितनी लंबी सड़क है और क्या दिक्कतें होती हैं? 3 किलोमीटर। क्या नाम है इस सड़क का? कहां से कहां तक जाती है? उमरटोला से आलेझरी तक। क्या जी बताएंगे किस प्रकार की समस्याएं आती है आप लोगों को इस रोड में चलने में, या बारिश पानी आती है? हाँ, बारिश पानी में और दुर्घटना होने की ज्यादा संभावना है। पूरे पत्थर जो है ऊपर आ गए हैं जिससे आने जाने वाले जिनको बहुत तकलीफ होती है, उस वजह से वाहन को भी बहुत नुकसान होता है। हमारी मुख्य मांग हमारी यही रही कि एक ही मांग है कि सड़क बने, मेन रोड डामर सड़क बने, ये मुख्य मांग है हमारी। कहाँ से कहाँ तक? ये मेन रोड चौक उमरटोला से आलेझरी तक बने, ये हमारी बहुत पहले से मांग है, बहुत पुरानी मांग है, 15-20 साल से मांग है। अभी क्या किस लिए, मतलब अभी क्या कहा मैडम ने? अभी हमने ज्ञापन के माध्यम से यहाँ कार्यक्रम स्थल में तहसीलदार मैडम को अपन एक ज्ञापन सौंपा, उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि मैं 8 से 15 दिन के अंदर काम चालू कर दूंगी। क्या क्या? ये हमारा ग्राम पंचायत उमर एकोड़ी पंचायत है, उसमें एक गांव है उमरटोला, वहां से एक रोड जाती है अपना वो कम से कम 3 किलोमीटर, उसको हम चाह रहे थे SDM साहब आए और हमारे को कुछ आश्वासन दे यहाँ पे, तो हम चक्काजाम रोक देते, लेकिन वो भी नहीं आए, उन्होंने आने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने तहसीलदार मैडम को भेजे हैं, उनसे उनको हमने अपना ज्ञापन सौंप दिया है और उन्होंने हमको 8 दिन के अंदर कुछ कार्रवाई करेंगे करके आश्वासन दिया। आश्वस्त हैं इससे आप लोग? आश्वस्त तो नहीं है, लेकिन अब देखते हैं समय, अगर इनका कुछ अगर हमको समझ में नहीं आएगा कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम फिर से चक्काजाम करेंगे और उग्र आंदोलन। लोगों ने धरना प्रदर्शन किया जो है 8 अगस्त 2023 को आजू बाजू के ग्रामों ने एकोड़ी के ग्रामीणों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया है। उमरटोला से एकोड़ी मार्ग के लिए धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसमें ग्रामीणों को समझाइश दी गई कि इस मार्ग का काम जल्द से जल्द शुरू करवाया जाएगा। मैडम, अभी हमको जैसे जानकारी मिली है कि जो सड़क के लिए ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं वो मध्य में जो है सड़क है ही नहीं है, क्या मामला है? अभी ये देखा गया है, रिकॉर्ड देखा गया, उसमें कंफर्म हुआ कि जिस जो रोड बनी है वो सड़क मध्य में ना बन के घास मध्य में तैयार है, तो उसको मध्य परिवर्तन करा के रास्ता मध्य में परिवर्तन कराया जाएगा और उसके बाद ही रोड का कार्य शुरू कर पाएगा। जैसे काफ़ी लंबे समय से ग्रामीण इस सड़क के निर्माण की मांग कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि कब तक उनकी ये मांग पूरी हो पाएगी? हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इनकी मांग पूरी हो जाए।